भाई स्टेशन पे उतरी नहीं मेट्रो से, मैसेज करना इतना जल्दी आ गई मैं। आज तक ईसा नहीं हो लिया इसने मेरा वेट करा, वो हमेशा मैं ऑन टाइम रहूं, मैं पंचुअल रहूं और यह हमेशा लेट। पूरे बर्गर किंग में मेरी आवाज गूंज रही है और ये बार बार मुझे टोक रही है कि आराम से बोल आराम से। भाई हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जहां राजनेताओं को नेताओं को आना होगा ना उसी एरिया को क्लीन करेंगे। ये देखो ओ जी लिख दिया, ओ जे आई स्वाहा। गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक और व्लॉग में। भाई आज का दिन काफ़ी थकाने वाला होने वाला है, क्योंकि पहले जाना है एक बार भादरगढ़, वहाँ दीक्षा की गाड़ी की नंबर प्लेट लगवानी है, फिर दीक्षा के पास जाऊँगा मैं आधे रास्ते, वो आएगी आधे रास्ते मैं चला जाऊँगा, उसको दो तीन सामान देने हैं, फिर कुछ देर उसके पास रहेंगे, फिर वापस आना है। आज शाम को है ओजस्वी का बर्थडे सेलिब्रेशन, उसका जन्मदिन मनाएंगे आज, उसका फर्स्ट बर्थडे है यहाँ इंडिया में और वैसे भी, क्योंकि वो एक साल की हुई है। तो जल्दी से निकलते हैं भाई, 6 बजे गए हैं और मैं उठ गया हूँ, और बुआ को भी आज मैं छोड़ दूंगा। बुआ मेले के लिए आई थी तो मैंने कहा कि मैं जाऊँगा ही, वैसे तो बुआ को कल जाना था, तो फिर मैंने बोल दिया कि हम कल चलेंगे, आप साथ चल पड़ना, यहाँ से 7 बजे निकलेंगे। भाई दीक्षा ने प्याज के पराठे और हलवा मंगवाया था, मम्मी लग रही है बनाने सुबह सुबह, बुआ नहीं उठी है। भाई तैयार हो लिए हैं और ताला खोल के दर दे बुआ, दरवाजा खोल दे निकाल लेंगे गाड़ी को। भाई भादरगढ़ पहुंच गए और बुआ सामान उतार देते हैं। अब बुआ ऑटो करेगी, ऑटो करूंगी भाई, फिर दू हाथ किसी ने दू हाथ चल पड़े हैं, और दीक्षा भी होटल से निकल रही है। अच्छा बुआ ठीक है बेटा, बाय। भाई ये भादरगढ़ से जो दिल्ली वाला रोड है ना, ये दिल्ली रोहतक रोड, भाई साहब बहुत अंत बेकार रोड है, इतनी रेड लाइट है इस पे जिसकी कोई याद नहीं, किसी को जल्दी हो ना तो वो पहुंच नहीं सकता, और ऊपर से स्पीड लिमिट। अब बस पहुंचने वाला हूँ मैं एक दो मेट्रो स्टेशन के बाद दीक्षा मिलेगी मुझे, वो शिवाजी पार्क मिलेगी। भाई ये सामने आ गया है शिवाजी पार्क, और दीक्षा भी आ चुकी है और हम भी साथ साथ पहुंच गए हैं। ओहो काला जादू करेगी बंगाल ताई है तू, आज अच्छी लागे पहला दे तेरा खाना भेज रखा मम्मी ने, तेरा सामान दे, इस पे पैर मत रख लगाइए, यो सूट कद ले आई तू। भाई स्टेशन पे उतरी नहीं मेट्रो से, मैसेज करना है इतना जल्दी आ गई मैं, इसे डाला मैसेज करा दूंगा रोड पर खड़ी है यार। आज तक ईसा नहीं हो लिया इसने मेरा वेट करा, वो हमेशा मैं ऑन टाइम रहूं, मैं पंचुअल रहूं और यह हमेशा लेट। लेट लतीफ इस मामले में बिल्कुल अपोजिट है यार, और वो विंडो बंद ना, विंडो बंद कर, इनकी चलना है ना हो ना वो कर मैकडी पराठा खा के फिर मैं की करेगी बाद में खा ना। चल फिर उड़ा मार्केट में लगा ले गाड़ी ना पार्किंग में, अड रोड पे तो कित लगाओगी, मार्केट में चलते हैं, यहाँ पार्किंग नहीं है, मेन रोड है ना ये, बेल्ट लगा। भाई यो इसका मैकडी देख लो, आ ही नहीं पहला परामठे सूटने शुरू कर दिए,
भूखिया मरती आई थी क्यों? कुछ ना खा पाई। क्यों? फिर मैंने बेरा था ना पराठे आऊंगे तो मैंने कुछ ना खाया, उड़े भी पराठे थे वे बहुत गंदे लगे मैंने। ये किसे बन रहे हैं? एक नंबर के। सही बता, वीडियो बंद है? वीडियो का क्या, वो तो बुंदे होंगे तो बुंदे ना कह दूंगी, मम्मी देखेगी। अच्छे बना रहे भाई, मैकडोनल्ड की हो रही है रिनोवेशन, तो यहाँ तो नहीं मिलेगा कुछ। आगे सबवे है एक यहीं पे, वो ट्राई करते हैं, देखते हैं वहाँ है भी या नहीं। भाई मैकडी तो है बंदे, लेकिन उसके जस्ट पास बर्गर किंग है। अब वहाँ पूछने आई है, ये पराठा खा चुकी है लेकिन अब इसका नहीं भर रहा। बर्गर दो और खाया करो हमेशा। बर्गर मैं एक खाता हूँ हमेशा, और भी दो। वो मैं कोक पिया करूँ मैं दो। हाँ रुक जा। हाँ। और भी आगे भाई बर्गर किंग पेट इसलिए गए उस दो, किसने खाई ना खाई, डेढ़ खाई थी, डेढ़ खाई थी वो तो मन्ना कही चल यार फोटो खींच दूँ तेरा। चल ना ना गीला करवा दे उधर, चल एक्टिंग मत मार। भाई ऑर्डर कर दिया, कभी भी ऑर्डर नहीं करेगी अपना, दो मिनट खड़ी होगी ऊपर इधर जाके बैठ जाएगी। अब देखो वहाँ बैठी है कोने में, कभी भी ऑर्डर नहीं करेगी, अगली बार ऑर्डर तू करेगी तू। देखो हमारा कदे ऑर्डर ना करे। 449 वाला कॉम्बो करवा दिया, वो अपडेट हो गया। मम्मी वो रहने दे, जो तू बता का ही वो अभी को ना। तो वो एक होया होगा ना, ₹50 बढ़ा दिए उसके। नो ब्रो, इसमें पेप्सी भी लार्ज हो गई दो, फिर तो सही है, नुकसान हो जाए। दो आइसक्रीम भी हैं और चीज फ्राइज है लार्ज। भाई ये हैं बर्गर किंग के ब्रांड फाउंडर्स, काफ़ी पुरानी फोटो हैं। देखो एक फ़ोटो ये भी काफ़ी पुरानी है, ये फ़ोटो भी काफ़ी पुरानी है, ये भी काफ़ी पुरानी है। यह ताई की नहीं है, ताई तो वह ब्लैक एंड वाइट हो गए, मौज ले रही है। और ये भी काफ़ी पुरानी है। अच्छा, 22 साल पुरानी है। 22 साल पुरानी है तू बस। अच्छा डटिए डटिए भाई, पूरे बर्गर किंग में मेरी आवाज गूंज रही है और ये बार बार मुझे टोक रही है कि आराम से बोल, आराम से बोल। क्यों बोलूं आराम से? आराम से बोलो, और ना बात करनी है और करे जाएंगे हम, मैं और आगे बीच में बात है। हाँ तो दूसरा सुनानी भी तो कौन है ना अपनी बात। ज्यादा मत बोल। कै बजे जाना है? मैंने ड्यूटी है 3 से 10 है ना, और फोटो आज मैंने गाड़ देता होगा, बाज गया असली टाइम पे, क्योंकि ओजस्वी का बर्थडे है ना, तो बेचारा अक्षत फंस गया आज डेकोरेशन वगैरह में। और मैंने सोच के नहीं बनाया था प्लान, लेकिन बन गया आज का ही। आज उसका बर्थडे है, शाम को बर्थडे सेलिब्रेशन है। अब थोड़ी देर में निकलूंगा मैं यहाँ से, 1 बजे ही निकल जाऊंगा, तू घर आराम से ड्यूटी चली जाइए इतने। तो भाई 1 बजे से ही निकलेंगे शोरूम से, नंबर प्लेट उठाएंगे और फिर चलेंगे अपने गढ़ गढ़ गढ़। तू क्या लाग रही है? मैं फोटो भेजूंगा भाई। अब दीक्षा अपना सामान वगैरह उतार रही है, इसका जाने का टाइम हो गया है, और इसका सामान वगैरह देंगे हम भी निकलेंगे। अब वो पीछे डिग्गी में अपना सामान निकाल रही है। हील है और वो तेरा डीडी, डीडी याद नहीं है ना तेरे, डीडी याद नहीं है ना, डिमांड ड्राफ्ट। अब जाने का टाइम आ गया ना, तो इसका मुंह बन जाता है, आएगी ना तब इतनी एक्साइटेड, और अब जाने का टाइम होगा ना ऐसे मुंह फुला लेगी। ले तेरा इसमें डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट डीडी ले। रुके एक मिनट, कपड़े तो ना पन्नी में लाने चाहिए थे, भी ना क्यूकर में
पड़े बेचने वाला हूं ना भाई। पेट्रोल भरवा लिया है गाड़ी में और अब चलते हैं नंबर प्लेट के लिए। और इसमें दो प्रॉब्लम और है गाड़ी में, एक तो जब एसी ऑन करता हूँ ना तो हल्की हल्की वाइब्रेशन आती है नीचे ब्रेक के पास से, और जब ब्रेकर वगैरह पे से अगर ब्रेक पेडल दब रहा है और फिर गाड़ी उतरती है तो उसमें अलग अजीब सी साउंड आती है। ये दो इशू और बताएंगे शोरूम में, वो देखो आज रिजोल्व करवा पाएंगे या नहीं। बस आ गया, थोड़ी आगे है भाई ये मेट्रो के पिलर, और ये इस साइड भी डेकोरेशन कर दी है G20 समिट के लिए। भाई हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जहां राजनेताओं को नेता उगवाना होगा ना उसी एरिया को क्लीन करेंगे। बस अभी मुश्किल से 30-35-40 पिलर होंगे जो पेंट किए हैं जहां साफ सफाई है। अब यहाँ या तो कोई इंटरनेशनल एम्बेसडर आता होगा या कोई इंटरनेशनल गेस्ट इस एरिया में आता होगा, इसीलिए आप यहाँ के रोड, यहाँ के मेट्रो पिलर, यहाँ के आसपास इतनी सफाई, और इससे जस्ट 1 किलोमीटर आगे वही गंदगी। तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि दिखाने के लिए चीजों को किया जाता है। जिस दिन ये चीज खत्म होगी ना उस दिन देश सच में सुधर जाएगा। भाई भाई आ गए टाटा शोरूम में। भाई टेम्परेरी नंबर प्लेट उतर गई है और अब लगेगी परमानेंट। भाई आज गाड़ी पुरानी हो गई है। भाई मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि वो रेड नंबर प्लेट थी ना वो काफी अच्छी लग रही थी टेम्परेरी नंबर की, मैंने स्पेशल बनवाई थी रेड कलर की, तो रेड और व्हाइट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा था, लेकिन रूल तो फॉलो करना ही है, दिल पे पत्थर रख के लगवा ही लिया, चलो एक दिन लगवानी तो है ही। अब एक बार इसका पोल्यूशन और बनवा लेता हूँ। भाई वैसे तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो 1 साल का रोड फिटनेस सर्टिफिकेट देती हैं, पोल्यूशन की जरूरत नहीं होती नई गाड़ी के लिए, लेकिन ये पता नहीं टाटा वालों की डीलिंग कैसी है क्या है पता नहीं। अब इसका पोल्यूशन बनवाना पड़ेगा क्योंकि अब नंबर प्लेट लग गई है। भाई ये जोमाटो की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी देख लो, पापा को न्यूज देखने दो, समोसा हम ले आएंगे। भाई ना ही तो आजकल की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो देखने लायक है, और ना ही भाई पापा देखते हैं, और पापा समोसा भी नहीं लेकर आएंगे, समोसा लेकर आएगा अक्षत क्योंकि सारे काम अक्षत करता है, तो हमें जोमाटो की कोई जरूरत नहीं है। भाई एक व्लॉग में पहले भी दिखी थी ये जीप और फिर दिखी है चिकारा, ये दीक्षा का कोई चाचा ताऊ या भाई है, अब ये पता नहीं ये जीप भाई है या नहीं। एक दिन दिल्ली जा रहे थे जब करनाल बाईपास पे भी मिली थी ये जीप, हो सकता दूसरी हो। भाई यो गांव है बामडोली, छोटू की मम्मी भी यहीं की है, भाई सन्नी की मम्मी भी यहीं की है, हमारी एक ताई है वो भी यहीं की है, और इस गांव की जो सरपंच है ना वो सन्नी छोटू की मम्मी है, वो इस बार यहाँ पर लेडीज रिजर्व्ड सीट है, तो सन्नी की जो मम्मी है वो इस गांव की प्रधान है, सरपंच है, यहीं पोल्यूशन बनवा लेते हैं, आगे पेट्रोल पंप है, चीड भी है। यो देखो भाई ये रहा ऑनलाइन प्रदूषण जांच केंद्र, यहीं बनवा लेते हैं, कोई है भी अगना। भाई यो पोल्यूशन बनवाना है, साल का कितने बना है भाई? ये बन गया है और ये वैलिड है 15/3/2024 यानी अगले साल तक। आरसी को और इसको भाई ये आरसी रही, इसको रख ही देता हूँ एक बार, इसके डॉक्यूमेंट्स में का जो थैला इसमें। भाई पहुँचने वाले हैं घर, मैंने छोटू भाई के पास फोन किया था, वो डेकोरेशन कर रहे हैं, एक बार उन्हीं के पास चले जाते हैं पहले थोड़ी देर के लिए, फिर वापस घर पे आएंगे। भाई ना कुछ कराता था अपने घर आ जा, हैं? हाँ
अपने छोरे नोट लिया रहा काम बदवान चल रहा अपने करा क्यों कबरे ना ताई डाल लूं मैं भाई यार डेकोरेशन वगैरह हो गई शुरू अब चलते हैं घर पे पापा की भी दो बार फोन आ लिए कहाँ रह गया चलते हैं घर घर नहीं घर भाई टाइम हो गया है शाम के 5 और दिल्ली से हूँ भाई धूल बबूल हो गया हूँ 5:30 बजे उनके घर जाना है छोटू और क्या तो एक बार नहा लेता हूँ नहा धो के रेडी हो जाते हैं फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल दक्ष भी पहुंच चुका है बर्थडे पार्टी में क्या? ओ भाई हम भी तैयार हो गए हैं बस अब निकलते हैं यहाँ से भाई तैयार वैयार होकर निकल लिए हैं पैदल ही निकलेंगे गाड़ी में नहीं ओ जी अन्नू अन्नू का पेपर है कल हैप्पी बर्थडे ओजस्वी ले ये देखो ओ जी लिख दिया ओ जे आई ओ जी भाई यहाँ होगा खाने का इंतजाम यहाँ लगा दी है टेबल और इधर होगा हवन बस अब हवन की तैयारी चल रही है भाई अक्षत भाई के एक लेकर हाजिर हो चुके हैं छोटी पड़े तो देखे अरे ना ना बतेरिया देखिए The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Yeah.
अच्छी बात है, किस चीज की क्या की बेस्ट परफॉर्मेंस? जानो अपने घर, जानो अपने घर, भाई हमारे यहाँ सबसे सस्ती और टिकाऊ टोक उतारी जाती है। So guys, that's all for today. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Bye bye. Take care.